यस फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो होस्टिंग है, राइट, जो आपकी वेबसाइट की होस्टिंग है, वो उसको SEO पर उसका कैसा इम्पैक्ट आता है, राइट, तो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका गोल ये है कि तीन चीज़ों पर वो असर करता है। सबसे पहले कि आपकी जो वेबसाइट है वो अप होनी चाहिए, उसका अप टाइम 99.99% होना चाहिए, दैट इज़ नंबर वन, राइट। नंबर टू, आपकी जो स्पीड है सर्वर की, वो ऐसी होनी चाहिए कि भी आपकी वेबसाइट को रैंकिंग इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करे और उसके पेज लोडिंग टाइम को कम करने में भी वो हेल्प करे। कैसे करेंगे? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो होस्टिंग में आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि आपका जो IP लोकेशन है, राइट, आपके डेटाबेस का जो सर्वर लोकेशन है, वो आपकी वेबसाइट का जो सर्वर लोकेशन है वो आपकी टारगेटेड रीजन में होना चाहिए। तो उसके लिए एक वेबसाइट है iplocation.net, उस पर आप आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी वेबसाइट को आपको चेक करना है, और उसके बाद आपको ऐसा रिपोर्ट मिलेगा। आपको वो रिपोर्ट में DBIP अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आपकी जो लोकेशन है वो कौन सी कंट्री में है। तो हमने 100% ये पाया है कि अगर आपको रैंकिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो आपका जो टारगेटेड रीजन है उसी में आपका जो लोकेशन है, राइट, जियो लोकेशन, वो उसी कंट्री में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट वी रिकमेंड, और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपका IP लोकेशन वही कंट्री में होना चाहिए। आप कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पर अगर आप कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, जैसे कि होस्टगेटर हो गया, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो कंट्री के लिए आपको IP लोकेशन चाहिए, वो कंट्री के फ्लैग पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इंडिया भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि भाई वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहा है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आप डिसाइड करके फिर आपका सर्वर या होस्टिंग को ले सकते हो, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रजिस्टर फॉर द फ्री वेबिनार एज वेल। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।